हाँ हार्दिक पांड्या, तबाह तबाह बड़ी खतरनाक हिटिंग की उसने और बड़ी तबाहकुन हिटिंग की उसने, कमाल खेला है। बांग्लादेश की इस टीम का भी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं, इंडिया की टीम बहुत ऊपर है। तो हार्दिक पांड्या आ गया था, पांड्या के आगे जो है वो क्या ही बांग्लादेश के बैट्समैन जो है वो कर सकते थे। आज तो जो फेटा लगाया है लग ही नहीं रहा था, मतलब ये आईपीएल 11 है, इंडिया की टीम नहीं है, इसमें जसवाल नहीं है, गिल नहीं है। देखिए मैंने इतनी रूथलेस हिटिंग बहुत कम देखी है, रजाक करता था ऐसी रूथलेस हिटिंग, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज वंस ऑल ओवर अगेन दिखाया है कि बड़े जोर से शॉट है मारता है और सारी स्किल उसके पास मौजूद है। वो खेलते हैं ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ, किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं और T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। 12 ओवर में 127 रन करके साइड पे मारे उन्होंने। हार्दिक पांड्या वही आया, अपना नीचे से रन किए 39 निकल गया। संजू सैमसन आई थिंक 29 किए, फिर सूर्या कुमार यादव ने भी किए। चेंज हो गए, इंडिया ने क्रिकेट चेंज कर दिया जी, अभी मुकाबला ही नहीं था। अगर आज इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था स्लो विकेट के ऊपर, आप देखती हैं 200 से ऊपर का स्कोर होता। आप अप्रोच तो देखो, कप्तान तक सेल्फिश नहीं है सूर्या। क्या के बॉलर्स हल्के थोड़ी हैं यार, वो अगर T20 की टीम, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी टेस्ट की टीम इतनी बड़ी टीम, T20 की इतनी हल्की टीम, नाम के हिसाब से बात कर रहा हूं, प्लेयर तो सारे अच्छे, अगर वो नाम बड़े बड़े नहीं तो आपने क्या समझा बहुत फारी टीम है। पर रगड़ा दे दो इसको 170-180-90 करके फारी करो, इनको आराम से पकड़ लेंगे। पता लग गया फिर कितनी आराम से पकड़ेंगे। 11-12 ओवर में 127 रन करके साइड पे मारे उन्होंने। हार्दिक पांड्या वही आया, अपना नीचे से रन किए 39 निकल गया। संजू सैमसन आई थिंक 29 किए, फिर सूर्या कुमार यादव ने भी किए। वो अपने मजे से खेल रहे थे, एक तो उनको पता था टोटल सिर्फ 127-28 रन का है बस, उसके बाद सारी शॉटें मारी हैं उन्होंने, अपनी मर्जी से क्रिकेट खेली है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ही कोई नहीं है। और शांटू साहब, आप अगर ये समझते हैं कि इतने कम रन्स पे आपके स्पिनर्स या आपके फास्ट बॉलर वो करके देंगे, तो मेरे ख्याल में ये फास्ट बॉलर्स ये बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है। जो बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी इंडिया की, उसके सामने अगर आप इतना कम टोटल देंगे तो भाई आप सारे मैचेस हारेंगे। तो खैर मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं है इस इंडिया की, इस टीम का भी कोई, बांग्लादेश की इस टीम का भी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं, इंडिया की टीम बहुत ऊपर है। और नतीश एक लड़का है, उसकी मैं बात करूंगा, उसकी स्पेशल बात इस वजह से करूंगा क्योंकि वो बैटिंग भी कर रहा है और बॉलिंग भी कर रहा है। उसका क्या, उसके ऊपर बात करने का मेरा मकसद ये है कि ये डेवलप करेंगे अब इसको, सिलेक्टर्स और इंडियन टीम कोच सब कैप्टन सब मिलके इसको अब डेवलप करेंगे। इस तरह प्लेयर डेवलप होता है। हार्दिक पांड्या एज ऑलराउंडर डेवलप हो गया, अब ये भी फास्ट बॉलिंग भी करता है, 128 30 31 32 पे जाता है, उसके साथ बैटिंग भी कर लेता है। तो ऐसे ऑलराउंडर्स बनाए जाते हैं और आप देखना ये अब कंसिस्टेंट इसको टीम में चांसेस देंगे, ठीक है ना, कि ये इतना अच्छा हो जाए कि ये आगे चल के बॉलिंग करे। बाकी क्या ये बांग्लादेश की वही टीम है जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करा था टेस्ट मैच में? आपने देख लिया, पहला टेस्ट मैच हारे, दूसरा दो दिन में आ गए, बारिश भी ना बचा सकी, और आज तो जो फेटा लगाया है लग ही नहीं रहा था। मतलब ये आईपीएल 11 है, इंडिया की टीम नहीं है, इसमें जसवाल नहीं है, गिल नहीं है। देखिए मैं, रोहित और विराट ने तो, जडेजा ने तो रिटायरमेंट ले लिया ना, सब जानते हैं, अक्षर पटेल नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, अच्छा जसवाल और गिल का मैंने बोल दिया, अय्यर चले अभी वो टीम में नहीं है, लेकिन इस टीम में तो वो भी नहीं है, और कौन बचता है? बिश्नोई नहीं खेला, और इस तरह फेटा लगाया कि 11 point something बॉल्स में 127 की जगह 132 करे, वो भी छक्का मार के 39 करे 16 बॉलों में पांड्या ने। ये फायदा होगा नीतीश का टीम में रखने का, समझे? बाद में समझ में आएगी आपको, अभी नहीं आएगी। 16 बॉलों में 39, 5 चौके 2 छक्के, एक ही वाला शॉट भी बड़ा अच्छा मारा आज, देखा था? तो चेंज हो गई, इंडिया ने क्रिकेट चेंज कर दिया जी, अभी बांग्लादेश एपिटाइजर ही है यार, सीधी सी बात है। मेरे बांग्लादेश के मेरे भाई नाराज़ होते हैं कि ऐसा ना बोला करें, मज़ा नहीं आया ना क्रिकेट में। एक होता है जो 170-180 तो करते वो देखते, लेकिन नज़र नहीं आए। मेरे लिए आज का मैच किस खास बात, मयंक यादव का मेडन ओवर था, ड्रीम डेब्यू, 21 रन देखे, एक ही आउट करा, लेकिन मैं देखना चाह रहा था उसका, वो बोलते ना कि इंजरी के बाद आया कैसा बिहेव करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईपीएल में तो बड़ी तेज बॉलिंग करी थी, तो यहाँ पे भी आज उसने बता दिया ना, भगा दिया, मैं महमूदुल्लाह को आउट करा। लेकिन सच्ची बात यह कोई मैच नहीं है अभी, तो मेरा ख्याल है कि दूसरा मैच जीत के कोई और बच्चे बच्चे हों तो उन्हें खिला दें,
हाँ बात करते आए हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंट प्रोड्यूस हुआ है भारत की तरफ से। भारत ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, उनको कंटिन्यूटी दी है उन प्लेयर्स को जो डिजर्व करते हैं, और इतना कंपटीशन हाई कर दिया है कि यहाँ पे प्लेयर निकलता जा रहा है। तो आई थिंक कूडोस टू यू नो भारत की टीम के, वो इस तरह ही खेल रहे हैं जिस तरह यू नो उनका खेलना चाहिए। किसी भी टीम के साथ जब वो खेलते हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ, किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। और T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उनके पास ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद है, जो आता है परफॉर्मेंस करता है। आज के मैच पे 127 रन पे जो है बांग्लादेश ढेर हो गया, और बांग्लादेश ने अगर थोड़ी सी भी एंटरटेनमेंट देनी है क्राउड को तो उन्होंने इससे बेटर करना है, उनके सीनियर प्लेयर्स को परफॉर्मेंस करनी है। एक अच्छी हाइप मिली उन्हें पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन उस हाइप का वो फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि यू नो उनका भी इतना कसूर नहीं है, जो सामने खेलने वाली टीम है आप वो भी देखिए वो कौन सी है, वो भारत की टीम है जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसका IPL पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, और प्लेयर पे प्लेयर आ रहा है स्पेशली इस शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। फिर सूर्या कुमार यादव अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, थ्रू आउट अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। यू नो जो नपी तुली, जिस तरह उन्होंने रोहित शर्मा के बड़े क्लोज माने जाते थे, रोहित शर्मा इनको अपने पास पास रख के काफ़ी कुछ सिखाया भी है। मुंबई इंडियंस के अंदर भी जब रोहित कैप्टन थे तो ये उनके अंडर खेलते थे और बड़े क्लोज रहते थे, और यू नो बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप था। सो ऑब्वियसली जब कप्तान के साथ, और कप्तान भी इतना बड़ा कप्तान रोहित शर्मा जैसा, और जो वर्ल्ड कप भी वो जीते हैं, और उसके बाद 5 ट्रॉफीज उन्होंने IPL की भी जीते हैं, जब आप उनके साथ समय बिताते हैं सो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और सूर्य कुमार यादव बिल्कुल दिखा रहे हैं अपनी जो लीडरशिप स्किल अंदर, खुद भी ग्रूम हो रहे हैं। आप देखिए जिनका सिस्टम अच्छा होता है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जिन्होंने अपने प्लेयर्स को यू नो संभाल के रखा होता है, उनके पास प्लेयर्स मौजूद होते हैं, तो उनके दो सबसे सीनियर प्लेयर गए वर्ल्ड कप के बाद, विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन लग ही नहीं रहा कि वो टीम के अंदर मौजूद नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि ऊपर उनके पास बैकअप मौजूद है। बैकअप क्यों मौजूद है, क्योंकि जब रोहित और जब कोहली बुमराह खेल भी रहे होते हैं तो जो छोटी सीरीज आती हैं, जो मैंने ऐसे छोटी सीरीज, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनी क्रिकेट टीम, बट द थिंग इज रैंकिंग्स का बड़ा फर्क होता है। जब निचले दर्जे की टीम आती है रैंकिंग में तो वो मेक श्योर करते हैं अपने बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ना खेले, वो बच्चों को जगह देते हैं, वो उनको आने देते हैं, वो उनको ग्रूम करते हैं। इसी वजह से जब सीनियर प्लेयर्स चले भी जाते हैं तो वो इतनी क्रिकेट यंगस्टर्स खेल गए होते हैं इंटरनेशनल कि दे आर रेडी, वो आके फौरन जगह ग्रैब करते हैं। इसलिए वो रीबिल्डिंग वाला जो एक नारा है वो इनको नहीं लगाना पड़ता, ये रेडी नजर आते हैं। ऑन दी अदर एंड जिन्होंने बच्चों को खेलने नहीं दिया होता, जिन सीनियर्स ने छोटों को जगह दी नहीं होती, जो नेपाल बांग्लादेश जिम्बाब्वे कोई टीम छोड़ते नहीं है, उन मुल्कों के साथ ये होता है कि उनके यंगस्टर्स प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो जब उन पे बुरा फॉर्म आता है तो कोई प्रिपेयर भी नहीं होता, और इसी तरह जब वो चले जाएंगे टीम के अंदर से तो फिर बाद में यही बातें होती हैं कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है, आपका बेस्ट प्लेयर ही यही है, वो काबला ही नहीं था। अगर आज इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था स्लो विकेट के ऊपर, आप देखती हैं 200 से ऊपर का स्कोर होता। आप अप्रोच तो देखो, कप्तान तक सेल्फिश नहीं है सूर्या। सूर्या आता है वो भी कोशिश करता है कि भाई साहब ग्राउंड के हर तरफ मैंने शॉट खेलने, उसी तरीके से खेलने, वही सेंसिबल अप्रोच के साथ, के कैलकुलेटिव अग्रेशन के साथ मैदान में उतरना है। यार इस टीम की आप जितनी तारीफ करें सवेरा वो कम है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट ओनली प्रेजिंग देम, इट इज ऑल अबाउट लुकिंग एट द ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ऑल अबाउट लुकिंग एट द ट्रांजिशन। आप कान यहां से पकड़ लो या कान आप यहां से पकड़ लो, आपको सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच सिर्फ गौतम गंभीर के डिसीजंस में नहीं नजर आ रही, आपको इन इन सेल्फ इन लड़कों की एग्जीक्यूशन वाइल बींग इन द मिडल में नजर आ रही है। हालांकि जिस 11 के अंदर अभी रियान पराग को मौका दिखाने को अपना मौका नहीं मिला, अपने कलर दिखाने को, रिंकू को मौका नहीं मिला कलर दिखाने को, दे आर मूविंग राइटली इन टू द राइट डायरेक्शन, बिकॉज दीज आर जस्ट नॉट द परफॉर्मेंसेस, दीज आर द मोमेंट्स जहां आप अपने करेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, आप अगले आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप को शेप अप करें, और एज अ पर्सनैलिटी एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर आप अपने आप को पोजिशन में रख रहे हैं वेर यू कैन से सो कि यस वी गोना बी टेकिंग अहेड टीम इंडियाज़ फ्यूचर इन टू द फ्यूचर जोन, जहां से हम एक ऐसी फोर्स बनेंगे जहां हराना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टीमों को, चाहे घर में हो या घर के बाहर हो। आपने 8 T20 वर्ल्ड कप के बाद घर से बाहर खेले, एक ही हारा जिम्बाब्वे से, आप 7 उसके बाद रेगुलर 8
सात अब उसके बाद रेगुलर जीते, फिर आप आज आठवां अपना मैच अपने घर में खेल रहे हो। जिम्बाब्वे से लेके इंडिया तक की कहानी देख लो, ये परफॉर्मेंस गिर नहीं रही है, ये परफॉर्मेंस का ग्राफ सिर्फ ऊपर है, भले इसमें स्टार प्लेयर हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड द बिगेस्ट थिंग इज द कॉम्बिनेशन, क्योंकि सवेरा कॉम्बिनेशन आपको इसी तरह करना पड़ता है कि अगर आज की भी आप 11 देख लो, टीम इंडिया के पास आठवें नंबर तक बैटिंग है, आठ बॉलिंग की ऑप्शन है, छह बॉलिंग की ऑप्शन खेलते हैं, और प्लस जो सबसे बड़ा फैक्टर जो हम पाकिस्तान के प्रस्पेक्टिव से ही बात करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑन द फिटनेस। फिटनेस तो कर दिया है कि इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि अनबीटेबल है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई भी टीम हो, दिस इज एक्चुअली नोन एज द विन, क्योंकि यू नो एक T20 का मैच था और जितनी स्पीड जितनी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी यार ख़त्म कर दिया उन्होंने, इधर से उनको टारगेट मिला है उधर से उन्होंने ख़त्म भी कर दिया, मतलब उन्होंने इतना ड्रैग किया ही नहीं इसको, आउट हो गया ठीक है कोई टेंशन नहीं है, नया प्लेयर आया उसने खेल दिया आउट हो गया कोई टेंशन नहीं है, दूसरा आया स्कोर किया, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और बड़े मैचेस जो हैं वो यही बड़ी टीम्स यही करती हैं कि वो एक बड़े डिफरेंस के साथ मैचेस विन करती हैं, मतलब व्हेन यू प्ले विद यू नो एक ऐसी टीम हो, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश हो, या मैं किसी भी टीम को ये नहीं कह सकती हूँ कि वो एक छोटी टीम है, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी टीम है, तो इंडिया अगर किसी भी टीम के साथ खेलती है तो वो एक बड़े मार्जिन के साथ मैच विन करती है। यही चीज़ है कि पाकिस्तान जब खेलता है तो पाकिस्तान का एक ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक आकर मैच जीता है। अगर आप बात करो कि पाकिस्तान कहते हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैच खेलते हैं और छोटी टीमों के खिलाफ छोटे मैच खेलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ तो खेल ही नहीं पाता है, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ जो है वो